डाल देती हूँ इसको। आज हमने बनाई है बहुत ही टेस्टी हरे पनीर की सब्जी। इसको कैसे बनाते हैं चलो मैं बताती हूँ आपको। आज बना रही हूँ मैं पालक और बेसन की सब्जी। उसके लिए मैंने ले लिया ये एक कटोरी बेसन और साथ में ले ली ये पालक। पालक जो है ये साबुती ले ली, इसको काटना नहीं है, मैंने इसको अच्छे से साफ करके धो लिया है। उबालने के लिए मैंने रख दी ये कढ़ाई और कढ़ाई का पानी जो है वो गर्म हो रहा है। अभी इसमें ऐसे ही साबुती में डाल दूंगी ये पालक। पालक को 2-3 मिनट तक हम उबालेंगे। पालक हमारी उबल गई है, जितनी देर हमने उबालनी थी इतनी उबल गई। बस अभी हम यहीं पे गैस बंद कर देंगे और इसको पानी से निकाल लेंगे बाहर। अभी निकाल लेते हैं और इसको ठंडी कर लेंगे हम। पालक को गर्म पानी से निकाल दिया, इसको जल्दी ठंडा करने के लिए इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए जल्दी। पालक हो गई हमारी ठंडी, इसको डाल देते हैं हम मिक्सी जार में। एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच ले लिया धनिया साबुत और 5-7 काली मिर्च ले ली और हरी मिर्च ले ली, ये भी डाल दूंगी अंदर। अब इसको बंद करके हम पीस लेते हैं। पालक पीस के इसमें निकाल ली और थोड़ी सी इसमें रह गई और इसमें मैंने डाल दिया ये एक प्याज काट के और साथ में 3-4 लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि जो हरी मिर्च पहले डाली थी वो तीखी नहीं थी ज़्यादा, इसलिए 3-4 लाल मिर्च डाल दी। और ये ले लिए 2 बड़े प्याज कटे हुए, ये भी इसमें डाल देती हूँ। और अभी इसकी बना लेते हैं ग्रेवी। अभी जो हमने पहले पिसी हुई पालक रखी थी उसमें थोड़ा थोड़ा बेसन मिला के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ये अच्छा सॉफ्ट बने इसके लिए मैं डाल देती हूँ उसमें 1 चम्मच तेल। इसको अच्छे से फेंटना है। हरी मिर्च और मसाला हमने इसमें पहले ही मिलाया था जब पीस लिया था। अभी थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक डाल दिया और 1 चम्मच तेल डाल दिया और 1 कटोरी बेसन थोड़ा थोड़ा डाल के ये हमने अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया। अभी ये ले ली मैंने एक थाली, इसको लगा लेते हैं तेल। अभी इस मिश्रण को डाल देते हैं हम थाली में और इसको हम पूरा थाली में फैला देंगे। यहाँ रख ली मैंने कढ़ाई और इसमें 1 गिलास डाल दिया पानी। अब ये थाली रख देती हूँ इसके ऊपर और इसमें लगा देते हैं ढक्कन। इसको हम पकाएंगे 5 मिनट। 5 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। पालक और बेसन का जो मिश्रण मैंने पकाने के लिए रखा था ये 5 मिनट हो गए और ये पक गया है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। ये थाली अभी हम ठंडी होने के लिए रख देते हैं और इतने में कर लेते हैं तड़के की तैयारी। जब तक हमारा बेसन और पालक का मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक हम लगा लेते हैं तड़का। तड़के के लिए काट लिए मैंने बारीक प्याज और अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया और अभी हम लगाते हैं तड़का। तेल हो गया हमारा गर्म और इसी में मैं ये दोनों चीजें साथ में डाल देती हूँ। प्याज लहसुन हो गया हमारा एकदम फ्राई। अब इसमें डाल देते हैं ये मसाले। ये ले ली थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच गरम मसाला, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है और मिर्च भी हमने डाल रखी है, इसलिए अभी हम ना ज़्यादा नमक डालेंगे ना मिर्च डालेंगे। और इसी के साथ ये जो मैंने ग्रेवी बनाई थी ना टमाटर प्याज डाल के पालक के साथ मिला के ये डाल देते तड़के में और इसको अभी हम अच्छे से पका लेते हैं। जब तक ये हमारी ग्रेवी पक रही है तब तक हम बेसन और पालक के जो मिश्रण बनाया था उसको काट लेते हैं। थाली हो गई हमारी एकदम ठंडी और ये पक गए हैं देखो एकदम। अभी इनको काट लेते हैं, देखो किनारों से निकल रहे हैं अपने आप ही, ये देखो किनारे छूट रहे हैं तो इनको काट लेते हैं। ये आपकी मर्जी, आप कितने बड़े काटना चाहते हैं पीस, चकोर काटो या कैसे भी काटो, ये आपकी मर्जी है। काट रहे हैं चकोर पीस एकदम, देखिए ये देखिए एकदम आराम से निकल गए। ये देखो कितने अच्छे बने हैं चकोर। ये बन गया हमारा हरा पनीर, हरे रंग का पनीर। देखिए हमने पीसेस काट लिए ये हरे पनीर के दोनों साइड से, कितना अच्छा कलर आया इसका। ये बन गया हमारा हरा पनीर। अभी इसको डाल देते हैं हम ग्रेवी में। अभी हमारी देखो एकदम अच्छे से पक गई है
और एकदम गाढ़ी है। अभी मैं डाल देती हूँ इसको इसमें। हम इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है इसको। आप चाहे तो चावल के साथ खाओ या रोटी के साथ खाओ, आपकी मर्जी है। चाहे तो ऐसे ही जो इसके पीस है उनको फ्राई करके तेल में चाय के साथ खाओ, पकोड़े बना के। लो जी, हो गई हमारी सब्जी तैयार।